किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? मोदी। मोदी झूठ बोलता है बिल्कुल। 15 लाख खाते में जाएंगे। हाँ। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। हाँ। इसको क्या मिला कुछ? 2024 में नरेंद्र मोदी जी के तो मतलब लग रहा पत्ता साफ होने वाली है। पुराना हो गया मोदी जी, पुराना हो गया, अब नया लाइए। मोदी तो उम्मीद राम, राहुल गांधी आगे ठोक का मोहब्बत के बाजार खुल के रही। राहुल क्यों? राहुल वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, उसका दिमाग खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और बात की जाए 2024 की यानी कि लोकसभा चुनाव की, तो लगातार सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी होड़ में लगी हुई हैं, राजनीति खेल रही हैं। कुछ लोग जो है वो धर्मों पे वार कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है बीजेपी जो है वो धर्म का कार्ड फेंक रही है। वहीं पर बीजेपी ने एक और कार्ड फेंका, महिला आरक्षण बिल जो है वो ला दिया। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कभी कूलियों से मिल रहे हैं भैया, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी कहीं घूम के आ रहे हैं। क्या घूमने से जो है वो 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल बनेंगे, बनना चाहिए। हाँ। बनना चाहिए। मोदी से निराश है? मोदी झूठ बोलता है बिल्कुल। क्या झूठ? अब तक झूठ बोला है। मोदी के 10 झूठ गिनवा दीजिए। 15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही गिनवाए, 10 गिनवाए, कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री को रिजेक्ट करने के लिए 10 तो उसकी अब तक 100% झूठ बोल रहा है, 10 क्या गिनवाए, कितने झूठ बोलेंगे? महिला आरक्षण बिल ला दिया, कहते हमने धारा 370 लागू हो जाए तब मानेंगे ना। हाँ। वो कहते 3 तलाक बंद कर दिया, कहता सब लागू कुछ नहीं होता है, लागू नहीं हुआ है, कुछ नहीं लागू हुआ है। कुछ क्या कहेंगे चाचा 2024 में? 2024 में नरेंद्र मोदी जी के तो मतलब लग रहा पत्ता साफ होने वाली है। हाँ। हाँ। और पत्ता साफ कर दिए आप? हमने नहीं, जनता के आसार से लग रही है। तो जनता तो आप भी है ना, तो जनता के आसार से हमारी भी मतलब वही राय है कि हो सकता है राहुल गांधी का मतलब जो है पासा पलट सकती है। जी बिल्कुल। क्या बात है, मतलब राहुल जो है वो चेहरा है प्रधानमंत्री अभी तो फिलहाल नजर आ रही है। अभी तो फिलहाल इनमें तो बहुत लगे हैं चाचा, ममता बनर्जी लगी है बंगाल से, नीतीश कुमार लगे हैं। हाँ। लालू अभी कहीं ना कहीं लाइन में है, हमारे बिहार का नीतीश जी तो है ही है। हाँ। रेस में भी नजर आ रहे हैं। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि जो है ना क्या पता बीजेपी में आ जाए। जी जी जी। क्या तख्ता पलटेंगे? पलट सकते, वो तो पलटू राम ऐसे भी नाम रखा गया है। पलटू राम तो है ही है नीतीश जी। अरे मोदी कांग्रेस में आ सकते हैं, आ जाने चाहिए उनको। हाँ। उनको आ जाने चाहिए क्योंकि सारे लोग उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ। कौन साथ छोड़ के जा रहे हैं? सारे परमानेंट बीजेपी, बीजेपी के सांसद सब उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। साथ छोड़ के जा रहे हैं। क्या कहिएगा 24 में क्या? 2024 में राहुल गांधी बहुमत से जीत रहे और उनकी सरकार बनेगी। युवा क्या चाहता है? राहुल गांधी जो युवा है उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हाँ, कैसे बनेंगे? भारत जोड़ो यात्रा करने से? जी जी। हाँ, लगता है मोहब्बत की दुकान खुली है। सही बात है। हाँ। खुली है। क्या कहिएगा राहुल गांधी? राहुल गांधी जी। हाँ, क्या कहिएगा राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी। अरे मोदी को क्या भूल जाते हैं, कहते हैं मोदी के बाद नया लाओ, पुराना हो गया मोदी जी, पुराना हो गया, अब नया लाइए। नया कौन लाए? नया फसल लाएगा सही रहेगा जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी, राहुल गांधी की कोई जो 5 क्वालिटी गिनवा दीजिए जी। और जो यंग लेटर इज गुड है, गुड नेता है। राहुल गांधी की 5 क्वालिटी? राहुल गांधी में क्वालिटी क्वालिटी पांच पांच उनके गुण गिनवा दीजिए प्रधानमंत्री बनने के। मोदी के गिनवा दी, कितने गुण है मोदी में? मोदी के गिनवा दीजिए उनको रिजेक्ट करने के, मोदी को रिजेक्ट करने के। मोदी तो उम्मीद राम, राहुल गांधी आगे ठोक का मोहब्बत के बाजार खुल के रहेगी। योगी। योगी ये देखिए राहुल के बीच में योगी अकेले आए हैं, मोदी के बाद योगी। योगी। हाँ, क्यों योगी? योनली योगी। हाँ। कानून व्यवस्था सुधार दिया है यूपी में। हाँ? हाँ। देश राहुल क्यों नहीं? राहुल वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, उसका दिमाग खाली है। हाँ। उसका दिमाग ही खाली है। हाँ। कैसी बात है, अगर 75 साल तक उनके परिवार ने राज, भाई ये राजतंत्र नहीं है प्रजातंत्र है। राजतंत्र प्रजा की सुनी जा रही है। हाँ। लोग तो कह रहे प्रजा की तो सुनी मकान दी यूपी में। हाँ। पास यूपी में। हाँ। तो योगी सरकार क्या कर रहे हैं, कानून क्या क्या, क्या और जिस कानून सवाल उठा दिया मोदी सरकार। अरे अब तो दे उतना बड़ा राज्य है, अब कहीं एक घटना को लेके आप पूरे उस पे दोष और उसका एवरेज देखिए ना। सवाल ये है 24 में कौन राहुल गांधी का चेहरा है प्रधानमंत्री का? देखिए मेन बात है कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बनता है, क्योंकि गरीबों का मसला उठाना हो या रोजगार का मसला उठाना हो या फिर शिक्षा का मसला उठाना हो या कोई भी मसला जिससे मतलब अडानी का मसला उठाना हो,
अडानी को बीच में आप क्यों ला रही है? अडानी का मसला राहुल ने उठाया था ना, उसके बाद सदस्यता। देखिए, अगर हमारे देश के साथ कोई अगर गलत करेगा तो हमें सवाल बनता है, कोई भी करे, चाहे वो मंत्री करे, नेता करे, शिक्षक करे, चाहे आम जनता करे। अगर सवाल कोई गलत यानी भारत के साथ करता है तो उसके खिलाफ सवाल बनता है। तो वो चाहे अडानी हो चाहे एक आम पब्लिक हो, अगर वो गलत करेगा तो कोई भी आम जनता, उसको बराबर हक बनता है कि वो उसके खिलाफ सवाल उठाए। तो अब वो राहुल गांधी उठाए या आम जनता उठाए, बराबर है। राहुल गांधी कोई बड़ा नेता है तो इस वजह से उठाए तो आप उसके पीछे लग जाएं, ये गलत बात है। अगर वो सवाल सही कर रहा है तो उस सवाल को आपको देखना है कि सवाल कहाँ तक सही है। आप रिपोर्टर का काम क्या है कि तथ्य को पेश करना, ना कि मतलब दोनों तरफ से कि किसी का पक्ष लेना, बल्कि आपको तथ्यों को पेश करना, चाहे राहुल गांधी कहे चाहे मोदी कहे। जनता ने पांच साल तक देखा ना क्या काम किया मोदी ने, किया है नहीं किया है, जनता को भी तो मोदी किया नहीं किया, लेकिन रिपोर्टर का काम होता है दिखाना। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जनता तथ्य दिखा रही, मीडिया जो है किसी एक का पक्ष ले रही है। तो मीडिया का जो न्यूट्रल होकर काम करना वो नहीं कर रही है। तो मीडिया को चाहिए कि न्यूट्रल होकर काम करे, जो तथ्य है उसे लाए, ना कि हम किसी एक का पक्ष ले ले। हम भी जानते हैं मीडिया में कई तरह के कई प्रकार होते हैं, कुछ किसी के अंडर काम करता, कभी कभी होता कि हमें फाइनेंस चाहिए होता। तो इन सब चीजों से कभी कभी हमें तथ्य पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप तथ्य बता दीजिए ना भाई साहब। हम तथ्य तो बता रहे हैं आपको, कि आप बताइए मोदी का अगर पांच गुण हमें बताएंगे तो राहुल गांधी का पांच गुण मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने मोदी के पांच अवगुण की बात करी है, मैंने गुण बोला ही नहीं, मैंने अवगुण बोले, मैंने कहा मोदी के पांच अवगुण बता दीजिए कि जिसकी वजह से मेरे जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बनने के रहने लायक नहीं है। आप गुण बताइए पहले। आपने बोला ना कि राहुल कांग्रेस की सरकार में हम सिलेंडर कितने रुपए का था, आप बताओ कितने रुपए का था, बताओ ना आप कितने रुपए का था? 450 का था। अरे बीजेपी की सरकार में कितने रुपए का था? अब इलेक्शन आने वाले हैं, 200 रुपए उसपे घटा दिए। क्यों घटा दिए? महिला आरक्षण भी लोग बाग खिचका होंगे इनकी कहन, नू घटा दिए उसपे। गरीबी कितनी ऊपर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ऊपर जा रही है, बताइयो। बस सही बात है यहाँ पे। हाँ तो क्या क्या कहेंगे आप, युवा है किसको देखना? राहुल गांधी को। राहुल गांधी किसको देखना चाहेंगे? युवा को जो सुनता है उसको देखेंगे। कौन? राहुल गांधी। तो देखिए, हमने लगातार जो है वो जनता से सवाल पूछा, 2024 में आखिर कौन मोदी के बाद किसका चेहरा जो है वो जनता देखना चाहती है, और 99% जो है वो जनता का मत जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ओर जा रहा है। आप लोगों की क्या राय हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।